बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जय हिंदू राष्ट्र। एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के घुटन भरे सीलन भरे तकरीबन 1500 साल से बंद मकान में एक ताजा हवा की तरह दाखिल हुए हैं और उन्होंने काफी कुछ बदलाव किया है। सऊदी अरब वो मुल्क है जो आखिरी मुल्क है जिसने गुलामी और लौंडी रखने की प्रथा उठाई, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर था। सारी दुनिया में गुलामी खत्म कर दी गई मगर ये आखिरी कंट्री था लेट 50s में गुलाम रखने की, लौंडी रखने की बुरी बुरा सिस्टम हटाया गया। लड़कियों को औरतों को वोट डालने का हक वहां नहीं था, बाद में हक मिला तो भी इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया कि वोट डालने वाले सिस्टम में उनका वोट डलवाने के लिए औरतें नहीं हैं। यानी वोटर तो हैं मगर जो सिस्टम चलाएंगे वोट डलवाएंगे पोलिंग एजेंट बूथ पर रहने वाले लोग वो औरतें नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। ऐसे माहौल में एमबीएस ने बदलाव करने की शुरुआत की। एक बड़ा बदलाव ये कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का हक दिया। हिंदुस्तान में या यूरोप के लोगों में या अमेरिका के लोगों को या ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ये मजाक लगेगा, उनके लिए कोई इशू ही नहीं है, मगर नहीं, वहां सऊदी अरब में या इस्लामी कंट्रीज में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां महरम का कानून था। महरम का मतलब कोई औरत बाहर जाएगी तो उसके साथ उसके ब्लड रिलेटिव कोई, उसका भाई हो, भतीजा हो, पति हो, बाप हो, वगैरह वगैरह कोई कोई साथ होना चाहिए जिसके साथ निकाह जायज ना हो, वो शख्स होना चाहिए, वरना वो बाहर नहीं निकल सकती। अरब कंट्रीज में ये भी हुआ एक जमाने में कि आग लग गई, लड़कियों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे, वो घर को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे, वो मर्द थे, अंदर औरतें थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका, जल के मर गई। ऐसा भी हुआ है इजिप्ट में कि वहां पाकिस्तान की एक फैमिली के लोग नहा रहे थे समंदर में, लड़की डूबने लगी तो जो गार्ड था वहां लाइफ गार्ड वो दौड़ा बचाने के लिए, तो उसके पति ने पिता ने हाथ पकड़ लिया कि तुम नामहरम हो, मेरी बेटी को छू नहीं सकते, वो डूब के मर गई। इस किस्म के बेहुदा माहौल में एमबीएस ने एक बड़ा महरम का कानून उठा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, और अभी मॉडल रूबी कहतानी, रूबी अल कहतानी, इसने इंडोनेशिया में या शायद मलेशिया में मिसेस ग्लोबल एशियन ब्यूटी प्रेजेंट में पार्टिसिपेट किया। मस्जिदों में बैन लगा दिया कि वहां आप इफ्तार की पार्टी नहीं करेंगे, इफ्तार नहीं दिया जाएगा, अपने घर में करो जिसको करना है। तो ये एक जोरदार बदलाव आया है, और मगर इसके खिलाफ अरब में कहीं आवाज नहीं उठ रही, ईरान में आवाज नहीं उठ रही, उठ रही आवाज कहां, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की मुल्ला पार्टी में। तो इस पर सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मैंने महली सरकारी से निवेदन किया और वो राजी हो गई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले उनको ऑनलाइन लेता हूं। महली बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने वक्त दिया अपना कीमती, और हमारे टाइमिंग डिफरेंस इतने हैं आपके कि आपके लिए मुश्किल है, बहाल बड़ी बड़ा करम आपका, प्रणाम स्वीकार। नमस्ते, थैंक यू सो मच सफेल जी फॉर हैविंग मी। हमारी तरफ इस वक्त अभी 9:30 हो रहे हैं, मगर इट्स ओके, मैं तो सुबह जल्दी वैसे ही उठ जाती हूँ, तो इट्स नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। माइलेज का मैं, माइलेज अपना परिचय, अपना तारुफ आप खुद कराइए। मेरा तारुफ जिनको नहीं पता है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, पैदा पाकिस्तान में हुई, और 25 साल से अब मैं कनाडा में हूँ। मेरी मम्मी जो थी वो लेकर आई थी हमको कनाडा में 25 साल पहले,
और हमारी स्टोरी पता नहीं अगर आपने सुनी है कि नहीं हुई सुनी है, मगर हम लोग पाकिस्तान से भाग कर आए थे क्योंकि रिलीजियस बैग उस पे आकर हमने यहाँ पे रेफ्यूज लिया था। और जब आगे आगे हम बात करते जाएंगे तो फिर आपको मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी। फिर उस दौरान जब मैं यहाँ आ गई थी, फिर मैंने मिस पाकिस्तान किया, तो उस पर एक तहलका मचा कि ये पाकिस्तानी लड़की कैसे पेजेंट्स में जा सकती है। बात कर रहे थे पेजेंट्स वगैरह की, तो उससे मेरा जो स्टार्ट जिसे कहते हैं ना स्टार्ट हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ। एंड देन आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया, में पाकिस्तान जाके काम भी करके आई वहां पे मीडिया पे एंड स्टफ। सो या दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। अपने वालिदैन के बारे में बताएं। हाँ, तो मेरे जो फादर थे वो बिलोंग करते थे एक बलोच फैमिली से, जैसे वडेरे वहां पर होते हैं। तो मेरे नाना जो थे वडेरे लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। हाँ, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं। हाँ, तो मेरे नाना जो थे वो एक गांव था, उनके नाम पर ही वो गांव है और अभी भी है। और वहां पर उनके सारे जितने बच्चे, मेरे नाना की 7 शादियां हुई थी बाय द वे, उन्होंने 7 शादियां की थी। और मेरी जो नानी थी सिर्फ उनसे 1, 2, 3, 4, 5 लड़के और 3-4 लड़कियां थी सिर्फ एक से। तो दे वर मुस्लिम्स, मेरे बाप जो था वो मुसलमान था, मगर मेरी माँ जो थी शी वॉज ब्रॉट अप एज पारसी, क्योंकि मेरे नाना पारसी थे और मेरी नानी जो थी वो मुसलमान थी। और उन्होंने, ये तब की बात है, इतनी पुरानी बात है, तब उस वक्त जाकर शादी की थी साथ में। तो उनकी शादी को जो है लोग नहीं मानते थे। अब पारसियों में ये होता है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उनके उनके उसमें ना। तो मेरी नानी ने मुसलमान यानी इस्लाम छोड़कर फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, एंड देन दे गॉट मैरिड एंड यू नो। मगर मेरी माँ का जो ब्रॉटअप हुआ था वो सारा यानी एज अ पारसी हुआ था। तो इट्स इट वाज अ वेरी ओपन माइंडेड फैमिली। हमारी फैमिली में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये हो, किसी को ऐसा नहीं सिखाया यू नो। तो आई वॉज मुझे दोनों साइड दिखते थे, एक बड़ी एक्सट्रीम पे दिखता था और एक बड़ा यू नो अच्छा माहौल दिखता था। तो इट वॉज वेरी confusing for me at the same time. ये कैसे मुमकिन, एक पारसी की तो मुसलमान से शादी नहीं हो सकती, शादी तो अहले किताब की अहले किताब से हो सकती है। क्या मां ने कन्वर्ट किया था? हाँ, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, क्योंकि पारसीज कन्वर्ट नहीं करने देती, यू हैव टू बी बोर्न अ पारसी, राइट? तो दोनों अगेंस्ट गए थे ऑब्वियसली। मेरे नाना की भी फैमिली हैप्पी नहीं थी कि भाई आप किसी नॉन पारसी से क्यों शादी कर रहे हैं। मेरी नानी को तो अलग कर दिया था उन्होंने, उनकी फैमिली ने। so but they loved each other so much, उनके दोनों के बीच में इतना प्यार था कि जब मेरे नाना की डेथ हुई है तो एक साल बाद, नो सॉरी, मेरी नानी की डेथ हुई पहले और एक साल बाद उसी महीने एक हफ्ते बाद उसी हफ्ते में ही मेरे नाना की भी डेथ हुई थी। बट दे लव्ड ईच अदर सो मच, तो उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग क्या कहते हैं उस जमाने में भी, एंड दे स्टक टुगेदर। तो यानी आपकी माँ और आपके वालिद दोनों के दोनों क्रिश्चियन बने पहले और उसके बाद शादी की? नहीं नहीं, मेरा बाप मुसलमान था, मैं अपने नाना नानी की बात कर रही थी। ये मेरा बाप मुसलमान था, मगर मेरी माँ ने कन्वर्ट किया, मेरी मम्मी ने कन्वर्ट किया था टू गेट मैरिड टू माय फादर इनटू इस्लाम। यानी वो मुसलमान बनी थी जी। अच्छा, इस्लाम के हिसाब से जैसे औरतों को पीटने का हक है, कुरान में आयत भी है इसकी, और आपकी माँ जाहिर है कि वालिद से मोहब्बत में गिरफ्तार होंगी, प्यार करती होंगी, तभी उन्होंने शादी की। तो उस शादी के बाद उनके साथ वही बिहेवियर रहा है या एक आम मुसलमान जो अपनी बीवियों को बरतते हैं उस तरह का माहौल रहा है? देखिए, जब जहां तक मुझको याद है, मेरी याददाश्त जाती है, तो मेरे बाप ने हमेशा से मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया, शक करना हर वक्त, वो समझता था किसी ना किसी का चक्कर चल रहा है, खुद गायब रहते थे, पैसा वैसा कोई कमा के नहीं लाना। मेरी माँ काम करती थी और वो काम भी इसी वजह से करने देते थे क्योंकि उनको पता था कि भाई मेरे पास वो पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा, तो ये घर तो चला रही है। बट नहीं, हर रात यही होता था कि उनकी गाड़ी की आवाज आती थी हमको और हम लोग कंबल में जाके लेट जाते थे कि हम सो गए, क्योंकि हमें पता था वो आएगा बंदा, और पीने की खूब आदत थी, नशे करने की आदत थी, तो आके फिर खूब माँ को पीटते थे। और सिर्फ माँ को नहीं, जब मैं अब हो गई थी, प्योबर्टी में आ गई थी एंड आई वॉज गेटिंग ओल्डर, तो मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मुझे मारना शुरू कर दिया था, मैं बीच में आ जाती थी तो मुझको भी मारते थे फिर उठ के। यानी मैं आपको बता रही हूँ ना, इतनी हमें याद है कि हम लोग एक दफा इस्लामाबाद गए, तो हम लोग आइसक्रीम बैठ के खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में, और वहां पर ये अदनान समी एक्चुअली बैठा हुआ था, ज़ेबा बख्तियार गया था, तो हम लोग वी वर लुकिंग एट इट, तो मेरे सामने से एक बंदा यूं वॉक करके गया है, राइट? तो मेरा बाप मुझसे कहता है अपनी आंखें कंट्रोल करो। यानी इतना इतनी सख्ती उसमें वो थी कि, और अगर ऐसे ही कुछ हो तो वहीं पे उठा के चमाट मार देंगे सबके सामने।
So हाँ नहीं, आई सॉ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं अपनी माँ के साथ होते हुए. यानी मुझे एक रात तो मुझे याद है, क्योंकि देखें शहर में जब हम रहते थे ना, तो शहर में तो फिर भी थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मगर जब आप गाँव में चले आते हैं ना, तो माँ की तो ये राजा है, वहां तो कुछ भी करके, वहां पे मुझे स्टोरीज पता है, लोगों को मार के दफन कर दिया जाता था. नो बडी वुड नो. एक बंदे ने अपनी माँ को गोली मार दी थी क्योंकि उसने उस किसी और मर्द से सिर्फ बात करते हुए देखा था, और पूरा गांव उसकी जय जयकार थी कि भाई तुमने तो हमारा ऑनर बचा लिया. सो इसी तरह से मेरा बाप जो है, एक दफा मेरी माँ को भी ले गया था गांव उठाकर किडनैप करके, और मैं और मेरी जो बहन थी छोटी, मेरी बहन उस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, तो वो हमारी नानी, हम लोगों को नानी के पास छोड़ गए थे. और फिर 2-3 महीने बाद जाकर फिर अपनी माँ से मिले, और उनकी हालत इतनी बुरी थी, उसको जंजीरों से बांध के मार पीटा, और एक रात तो पूरा प्लान बनाया था उन्होंने कि वो मार देगा उनको. और मुझे वो रात याद है कि धुत होकर, वो तो इतनी शराब पी ली थी कि वो बेहोश हो गए, वरना इतना बड़े छुरी लेकर वो मेरी माँ को पूरा चेस कर रहा था गांव, यानी हमारी जो सर वो थी ना बाउंड्री उसमें. तो वो रात तो मुझे नहीं भूलती है. यानी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव सीन. औरतों पे तशद्दुद, फिर नौकरों पे तशद्दुद, यू नो, अपने से जो भी वीक था बस मार धार, बहुत जालिम लोग, बहुत जालिम लोग. और सिर्फ यही नहीं थे, मेरे चाचा भी थे, बहुत सारे. एक मेरे सबसे जो बड़े चाचा थे, उन्होंने तो पहली शादी की, वो बंदी पागल हो गई, उसने जाके मेंटल हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवा लिया. जो दूसरे थे, उनकी पहली बीवी थी, उसने कोई 12-13 बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करते करते मर गई. उसको तो वो जंजीरों से मारता था, वो बंदा जली हुई लकड़ी या लोहा लेकर उससे मारता था वो बंदा. अब फिर जब उसकी डेथ हो गई, तो अपनी बेटी की एज की 16 साल की लड़की से जाके दोबारा से शादी कर ली. मैं सच में सोच गुफ्त होती है. और ये जो मुल्ला पार्टी है वहां की, वहां जो मस्जिद में मुल्ला होंगे और मुफ्ती होंगे और लोग होंगे, वो कभी कुछ इंटरवीन नहीं करते, जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं या जो फतवे देते हैं, जो यह इस्लाम सिखाते हैं, वो कभी इस मामले में इंटरवीन नहीं करते कि खुदा की मखलूक के साथ क्या कर रहे हो. नहीं, अरे भाई मुल्ला तो और वो करते हैं ना. अब जब अगर मेरा बाप, मुझे माँ बताती है कि जाता भी था ना, तो उनको तो उकसाया जाता था, औरत कमजोर है, औरत तुम्हारी जूती है, उसको जूते के नीचे रखो, उसको टाइट करके रखो. और वो लोग तो और भड़काते हैं ना, फिर वो दिखा दिखा के, भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, औरत तो तुम्हारी फजीलत है, उसको सुनना है हर हालत में तुम्हारी बात, चाहे आप प्रोवाइड कर रहे हो या ना प्रोवाइड कर रहे हो घर के लिए. क्योंकि एक दाना नहीं प्रोवाइड किया मेरे बाप ने आज तक, यू नो. एंड मगर हाँ, पीटम पटाई में और बाकी चीजों में, गांव में था कि पर्दा करो, यू नो, हम लोग जब जाते थे बाहर, तो या तो पूरी खेत जो थे वो खाली करवाए जाते थे मजदूरों से, और जब बीच गांव से गुजरते थे तो पूरा यूं पूरा कवर करना था. ये भी नहीं कि आंखें दिखे, नहीं, पूरी चादर यूं ले लो और बैठो. तो मैं भी जब बड़ी हो गई थी, तो फिर मैं तो एसी के ऊपर ही उतर के बैठती थी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती इतनी गर्मी में. आप खुद सोचें, सिंध में था हमारा गाँव, इतनी गर्मी में कैसे इंसान वो करेगा. So, yeah, no, it was, I don't know, मुझे, मैंने एक तरह से वो सारी memories block करके रख दी हैं, मगर I know कि मेरी माँ ने बहुत सफर किया है, और उनकी हिम्मत थी कि वो वहां से निकल आई. बस कहते हैं ना, जान बचा के निकले हम लोग अपनी. ऐसे barbarous community से, और इसकी जड़ें सब मोहम्मद की सुन्नत में हैं, मोहम्मद और उसके साथ के जितने लोग हैं, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान और अली, ये सारे लोग इसी तरह के हैं. ये अकेली मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से 52 बरस की उम्र में शादी नहीं की, बकिया साहबी भी ऐसी हैं, और सबके इजारबंदी रिश्ते हैं, कोई किसी ने उसकी बेटी ले ली, कोई उसका खुसर है, तो कोई उसका दामाद है, सब इसी तरह के रिश्ते हैं. उस सबके माहौल से निकल कर आज जो MBS बदलाव ला रहे हैं सऊदी अरब में, आप उसको किस तरह से देखती हैं? आई थिंक इट्स अमेजिंग. यानी मुझे यकीन नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कुछ है. आई मीन आई डोंट नो, मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन है. मगर फनी बात यह है कि पहले मैं कभी कोई मुझे जिहादी मिलता था ना, तो मैं उससे कहती थी भाई, या जिस यहाँ रहते हैं ना इन कैनेडा US में जो मुसलमान रहते हैं, तो वो कंप्लेन करता था, तो मैं उनसे ही कहती हूँ भाई तुम्हें शरिया चाहे तुम सऊदी अरब चले जाओ. अब तो मैं वो भी नहीं कह सकती, क्योंकि सऊदी अरब ने प्रोग्रेस कर लिया है, तो अब कहना पड़ता है अब तुम अफगानिस्तान चले जाओ यहाँ से. सो नहीं, जैसे कि मैं आपको बताया कि भाई जब मैंने पेजेंट किया था, तो इतनी
उधम मच गई थी। और अभी मैंने देखा है कि सऊदी की जो लड़की है उसने पेजेंट भी करा, मैंने खुद देखा वो पेजेंट करवा रहे थे वो लोग, वहां पर लड़कियां आई हैं। सऊदी अरब का आइडल है होता है वो, क्या कहते हैं, जैसे यहाँ कैनेडियन आइडल इंडियन आइडल होते हैं ना, तो वो भी उन्होंने शो करवाया। उसमें लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन रही है, उसमें स्किन दिख रही है। आई वॉज टोटली शॉक्ड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सऊदी अरब इस तरीके से करेगा। यानी आप इमेजिन करें कल अफगानिस्तान ऐसा हो जाए, आपको यकीन नहीं आएगा, यू नो। तो इट्स आई डोंट नो, इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वहां जहां इस्लाम पैदा हुआ, जहां से इस्लाम की जड़ें निकली हैं, वहां ये सारे काम हो रहे हैं, वो भी हराम काम। आप कह रही थी अभी कि इंटेंशन है कोई इसके पीछे, आपको क्या लगता है कि एमबीएस क्यों कर रहे हैं? और अकेले एमबीएस नहीं कर रहे, उनके खिलाफ अरेबिक, किसी भी अरेबिक कंट्री से जहां अरबी बोली जाती है, ऐसे किसी कंट्री से आवाज नहीं उठ रही है, सब खामोश हैं। उठाएंगे भी नहीं, वो उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो माए बाप हैं आपके। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, भाई इस्लाम वहां से ही निकला है। आई डोंट नो, आई एम ऑलवेज सिनिकल अबाउट इट, मगर शायद देखें, आपने अगर दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाओगे। एंड दैट्स आपको दिख रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे 50-60 साल पीछे बैठे हैं। अफगानिस्तान तो खैर इट्स 100 ईयर्स बिहाइंड। तो उनको पता है कि भाई अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, आगे निकलना है, तो यू विल हैव टू प्रोग्रेस, आपको आगे दुनिया के साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा, यू नो। एंड काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एमबीएस सीम्स लाइक ही इज एन एथियस्ट, वो शायद बिलीव ही नहीं करता, हु नोस। क्योंकि देखें, वो जो लोग थे ना पहले के, इनके बाप दादा जो थे वो कट्टर मुसलमान और वो ये चीजें लेके चल रहे थे, बट ही इज अ न्यू गाय, ही इज वेरी यंग, ही इज यंगर देन मी। तो यू नो, उसकी सोच शायद वो चेंज होगी, आई डोंट नो, मे बी ही इज एन एथियस्ट, बट व्हाटएवर ही इज डूइंग, जिस भी इंटेंशन से कर रहा है उससे लोगों को फायदा हो रहा है, स्पेशली औरतों को थोड़ी आजादी उनको मिली है। ये बड़ी अच्छी बात है, और वहां की औरतों के लिए, और क्योंकि जो सोसाइटी अपनी औरतों की इज्जत नहीं कर सकती, उनसे जो औलादें पैदा होंगी वो एक अजीब से ट्रॉमा में ही होती हैं। बचपन से वो सारा माहौल देखते हैं, मारपीट देखते हैं, बच्चे डरे हुए रहते हैं। और ये यूं ही नहीं है कि तहजीब के नाम पे, अखलाक के नाम पे इस इंडो पाक पूरा सरजमीन पे, मैं भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करता हूँ, और मैं उन्हीं की बात नहीं करता। मैं छोटा सा था तब भी मैं सोचता था, मेरे पिता बताते थे कि बड़े महाराज अमरनाथ जी जब आते थे घर में तो सब कमरों में घुस जाते थे और खामोश हो जाते थे, और मैं बाप से बोलता तो पिटता, मगर मुझे लगता था कि ये उनके दादा आ रहे हैं, बच्चा हुमक के उनकी गोद में बैठने की जगह डर के कमरे में घुस जाता है, तो कोई पिंडारी आ रहा है, डकैत आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं, क्या है? मगर शिष्टता के नाम पे, तहजीब के नाम पे, अखलाक के नाम पे एक लंबे अरसे तक यही सब इस सारे इलाके में, इस खत्ते में होता रहा है, और नतीजे में हम इतने तरक्की याफ्ता है कि हमने सुई तक नहीं बनाई है, कोई चीज हमने डेवलप नहीं की, हम गुलाम बने रहे, हमने कोई चीज कहीं कुछ नहीं कर पाए। सोसाइटी को अपने अपने लोगों को हक देना चाहिए, उसका नतीजा ये निकलता है कि जो अगली पीढ़ी आती है वो एक खुददार, जिसे कहते हैं स्वाभिमानी पीढ़ी आती है, तो वो एक समस्या है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि इस पर एतराज मोतरिस कौन हो रहा है? हिंदुस्तान के मुल्ला, भारत का एक मुल्ला है, बिल्कुल वो क्या कहें उसको, इसे कोई पागल होता है ना जो 3-4 साल से नहीं नहाया और कपड़े फाड़े फिर रहा हो, ऐसी दाढ़ी है उसकी भैया सी, मोहम्मद बिन सलमान साहिब, सीधे नाम नहीं ले पा रहा, उन्होंने इस्लाम के सारे उसूलों के जब्तों से अलग बातें कर रहे हैं, पर्दे का बिल्कुल लिहाज नहीं रहा है। मैं सोचने लगा कि इस बेहुदा आदमी को, जो इतना सुसरा शक्ल ऐसी भयानक है, इसको पर्दा करना चाहिए, इसको बुरका पहनाना चाहिए, कि ये कोई ढंग का आदमी इसे देख ले रात में तो उसकी चीख निकल जाएगी, इतना बुरा है। आप इसे किस तरह से देखती हैं कि वो पर्दे के पर इतना जोर इस्लाम में क्यों है, क्या वजह है, आखिर क्या आफत आ जाएगी कि अगर मतलब यही तो होगा ना, वो लखनऊ का एक शेर है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने जाली बुरी नजर डाली। मगर यहाँ मदरसा ब्रांड में तो ये भी है कि ये जो मर्द है इस पर ही बुरी नजर डालते हैं, कोई लड़कियों पर ही नहीं है ये करम, सब पर है। तो ये, और इसमें एक गड़बड़ ये है कि नजर जो डाल रहा है सदा उसको मिलनी चाहिए,
जिस पर डाली जानी उस पर सजा क्यों, उसकी जान को अजाब क्यों, आप इसे किस तरह से देखते? मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि भाई अगर अल्लाह मियाँ हैं तो उन्होंने जानते बूझते हम औरतों को एक ऐसी चीज दे दी जिसका उनको पता था कि हमें खतरा रहेगा उस चीज के लिए, क्योंकि हर मर्द हमारे पीछे आएगा, और फिर हमको ही वो कसूरवार दिला दिया कि नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं, पूरे खानदान की इज्जत, पूरे मोहल्ले की इज्जत, सॉरी टू से, हमारे हमारे उसमें है, यू नो। तो आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि बच्चे जो देखते हैं, राइट। अब मेरे जो ददियाल था, मेरा बाप का जो फैमिली वगैरह थी, अब मेरा जो बाप दादा थे, तो उन्होंने वही सीखा ना, उन्होंने कंट्रोल में रखा औरतों के साथ वुमेनाइजिंग की, साथ बीवियां रखी, यू नो, मारम पीटी की, तो बच्चों ने वही देखा, और वो जब बड़े हुए तो उन्होंने वही किया अपनी वाइफ्स के साथ, पांचों के पांचों ने। अब अगर आप मेरे नाना की साइड पे आ जाओ तो जो मेरे वहां पे जो फैमिली थी, जो मर्द थे, मामू वगैरह, वो अपनी बीवियों को फूल की तरह रखा उन्होंने, कभी हाथ नहीं उठाया, ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग से पता चलता है कि किस तरह से आपने ना ब्रॉटअप किया है। अब आप आ जाइए पाकिस्तानी और इंडियन को, मुल्ला जो है, इन लोगों को कौन पूछता है, ऑनेस्टली, इनको अरब में तो वैसे इन लोगों को नहीं माना जाता, ये अरब जाते हैं वहां पर, इनको सॉरी टू से मगर जलील करके रखते हैं, कोई इज्जत नहीं है इनकी, ना पाकिस्तानियों की है, ना जो यहाँ से इंडियन मुसलमान जाते हैं ना उनकी, क्योंकि अरब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, राइट, इन सब लोगों से। तो वो बोलते रहे जो भी है, पर्दे की बात जो आप कर रहे हैं, तो पर्दा तो इस वजह से था ना कि कौन थे वो जो पहले जमाने में ये लोग छेड़ रहे थे, लड़कियों को छेड़ते थे, तो इन्होंने मुसलमान औरतों को भी छेड़ दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो टॉपलेस घूमेंगी, और जो मुसलमान औरत है वो कवर करेगी अपना शक्ल, ताकि पता चले कि भाई मुसलमान औरत कौन है और नॉन मुसलमान औरत कौन है। और टॉपलेस घूमेंगी, हाँ टॉपलेस, तो जो दूसरी लौंडियां वगैरह होती थी तो वो तो टॉपलेस होती थी, और वहां तो लौंडियों के बाजार भी लगते थे, वहां जाके जैसे बकरा आप जाके चेक नहीं करते उसके कितने दांत हैं इस तरह से आगे वो लोग लड़कियों को देखते थे, फील अप करते थे, देखते थे, वहां से लड़कियां वगैरह खरीदते थे। सो दैट इज समथिंग लाइक दैट। देखिये पर्दा, मैं ना यहाँ पर कभी, मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे पहाड़ है, लेक्स है, तो मैं वॉक के लिए जाती हूँ ना, खूबसूरत सीनरी में देखती हूँ ना, खूबसूरत चीजें देखकर ना आपको अच्छा फील होता है, यू फील बेटर, यू फील रिलैक्स्ड, ठीक है। काला जब चीज देखो ना उससे घबराहट होती है, मुझे तो घबराहट होती है ऑनेस्टली, यू नो, तो क्योंकि इनके अंदर खुद कंट्रोल नहीं है, बिकॉज़ दे हैव नो सेल्फ कंट्रोल, और सेक्सुअली पता नहीं क्यों डिप्राइव्ड है, आप लोगों को तो चार चार शादियां करने की इजाजत है, फिर भी इनकी सेक्सुअल भूख नहीं मिटती है, आई गेस कि जहां लड़की देखी या लड़का देखा, तो इनसे कंट्रोल नहीं होता है। भाई आपसे कंट्रोल नहीं होता तो आप घर में बैठे, आप बुरका पहने, आप अपनी आंखें कवर करके बाहर निकला करें, व्हाई डू वी हैव टू डू इट, हम थोड़ी जाकर किसी को उठा के उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो आई डोंट गेट इट। अच्छा, और इसके ऊपर अब चले पर्दा कर लिया आपने, आपने हिजाब भी पहन लिया, अब मुझे आप ये बताएं कि मैं यहाँ जाती हूँ कैनेडा में ना, वाटर पार्क पे चली गई उस दिन, मैं अभी मैं वाटर पार्क से होकर आ रही थी, तो वहां पे मैंने पहले 25 साल में कभी इतनी औरतें नहीं देखी हिजाब के साथ और बुरकीनी के साथ, अरे पूरे पूरे झब्बे, पूरी पूरी चादरें लेकर वो पूल में उतरी हुई थी। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बुरकीनी, ये क्या होता है, तो वो काला होता है, बिल्कुल टाइट सा होता है, एक फ्रॉक की टाइप की होती है और टाइट्स होती है नीचे, और वो हिजाब पहना हुआ होता है उन्होंने। अच्छा, तो तीन चार मैंने लड़कियां देखी, उन्होंने पूरा वो अबाया जैसे ना पूरा पहना हुआ था, चंद ने टाइट्स पहनी हुई थी, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। एक बंदी थी उस पर मेरी आंख भी, अब आप खुद देख लो वहां पे 20 औरतें जो है वो बिकिनी में, 100 औरतें बिकिनी में और 10 जो है वो काला झब्बा पहनी है, तो आपकी आंख ऑटोमेटिकली उनके ऊपर जाएगी, राइट, वो दूसरी ब्लेंडिंग हो गई, इतना सारी स्किन है कौन दिख रहा है, उसकी तरफ मेरी आंख इस वजह से, क्योंकि उसने टाइट कपड़े पहने हुए थे, एंड शी वाज वेरी, देख मैं कैसे बोलूं, अच्छा, शी वाज वेरी वेल एंडाउड, तो मेरी आंखें उसकी तरफ गई, मैंने कहा ये फायदा क्या है फिर मैंने कहा फायदा क्या हुआ, क्योंकि जब मेरी औरत होकर निगाह वहां पे गई तो कितने मर्द देख रहे होंगे इसको, बात तो यही ना कि मर्द आपकी तरफ ललचाए ही नहीं, तो चाहे आप पूरा हेड टू टो कवर कर लें, फिर भी क्योंकि वो देखकर मैंने भी कहा देखो यार, यू नो, इट वाज सो फनी। अच्छा, वो छोड़े,
फिर बाद में मैंने देखा एक बंदे को, उसने बनियान पहना हुआ है और नीचे अमेरिकन शॉर्ट्स पहने हुए, अमेरिका के झंडे वाला ना शॉर्ट्स, और कोने में नमाज पढ़ी जा रही है वहां पर। उसने पढ़ ली, फिर बेटी को बुलाया, बेटी गीले कपड़ों में टिप टिप पानी बरस रहा है, उसमें नमाज पढ़ी उन्होंने वहां पर। मैं बस मैं अपना सर फोड़ने वाली थी कि आई वाज जस्ट लाइक, अच्छा मेरी बेटी और हम लोग जो गए थे, मेरे बॉय पार्टनर जो, उसकी बेटी भी थी, दो एक गोरी, तो मेरी भी, उसको भी इतना पता नहीं, तो वो मुझसे कह रही है कि ये ऐसे क्यों पहने हुए, व्हाट इज दिस, बताओ मुझे, मैं ना बाद में बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, राइट। फिर ये कहते हैं हमको घूर घूर के देखते हैं, अरे भाई आप लोग कौन करता है इस तरह से, पेंगुइन बन के कौन घूमता है इस तरीके से। फिर एक आंटी को मैंने देखा, ऐसे ऐसे सीन देखते हैं, वो तो पूरा हिजाब करके बैठी है, चश्मा लगाकर, और यूं स्विमिंग पूल पे, अरे वाटर पार्क के अंदर, हाँ नायग्रा फॉल्स में, और वहां बैठ के वो रेनकोट पहन के नहाना, ये गजब है। रेनकोट नहीं भाई, मैं बता रही हूँ, पूरी पूरी शाले लेके, अरे इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट हाइजेनिक ईदर, कि आप इतना इतना कपड़ा पहन के जो है उतर रहे हो उसके अंदर। अब आप, मैं आपको एक बात बताओ ना, वंडरलैंड भी आप चले जाओ ना, या बीचेस पे चले जाओ, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं ये लोग, और वहां जाके सारे अच्छे स्पॉट लेके बैठ जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा चलता है, तुम लोगों ने पानी में उतरना नहीं है, तुम लोगों ने स्विमिंग करनी नहीं है, तुम लोगों ने अपने वहां बैठ के हुक्के पीने, बिरयानियां खानी और चाय पीने, हम जिनको एक्चुअली वाटर में जाने हैं, हमको इतनी दूर जाके वहां पे बैठना पड़ता है। एंड आई एम टेलिंग यू के इट इज बीन टेकन ओवर, जिन बीचेस पे मैं जाती थी जहां गोरे दिखते थे, अब वहां जाओ तो वहां पे ईरानी, तो फिर भी ठीक है, ईरानियंस आर स्टिल बेटर देन अस। अब एक दफा मैं गई हूँ, एक साइड पे पाकिस्तानी फैमिली पूरी बड़ी पिकनिक बनाने आई हुई थी, मर्द अलग औरतें अलग। अच्छा मर्द बैठे हैं अपनी चाय पी रहे हैं, ऑफकोर्स वडेरे वो लोग बड़े, औरतें सारी काम काज में लगी हुई है, एक साइड पे पाकिस्तानी थे, दूसरी साइड पे ईरानी थे, बीच में मैं और मेरी बहन बिकिनी में, हमारी फ्रेंड्स चाय पीते पीते आंखें यूं यूं कोने से हमको चेकआउट हो रही थी, पूरा पूरा यूं यूं करके घूरियां मारना, नहीं छोड़ना इन लोगों ने। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को लेके जाती थी, और अब मैं चंद दफा ऐसा हुआ है कि वाटर पार्क वगैरह में, और मैं फिर लड़के देखती हूँ, तीन चार लड़के यंग दिखेंगे आपको, तो आई मूव फ्रॉम देयर, क्योंकि इनकी नजर इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी नजर है कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी वो करते हैं। फैमिली चेंज रूम्स होते हैं ना, जहाँ पे पूरी पूरी फैमिलीज चली जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ उसमें अब, क्योंकि ऐसे ऐसे गंदे गंदे लोग वहां पर होते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को वो गंदी नजर से वहां खड़े होकर घूरेंगे। गोरे नहीं करते ये चीज, गोरों की बात नहीं करते, ये सुन्नत है, छह बरस की बच्ची से निकाह सुन्नत है, ये मोहम्मद का किया धरा अपनी जिंदगी में उतारना तो फर्ज है मुसलमान पे। हाँ ये झूठ थोड़ी, वो काफी स्पेसेस में, उसमें मैं बैठी हुई थी तो मुझसे कह रहा था ना तुम तो एक्सपायर्ड हो गई, मैंने कहा हाँ ना तुमको तो 7 साल की पसंद है ना, तुम्हें तुम लोगों को 7 साल की पसंद है, तो मैं तो वैसे ही एक्सपायर्ड हूँ, मुझ में लाइन भी क्यों मार रहे हो बता दो। सो इट डजंट मैटर, ऐसे ही बोल रहे होते हैं, इनको जहां मौका मिले तो ये तो कब्रों से निकाल रहे हैं औरतें, उनका रेप कर रहे हैं, ये तो छोड़ते नहीं किसी को, बच्चे नहीं छोड़ते आप, लड़के नहीं छोड़ते आप। वो एक जो केस अभी वायरल हुआ था 2 साल पहले, वो 20-25 साल का बंदा था जिसने मौलवी साहब पूरा मदरसे में, उसपे मैंने मेरा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मदरसा है कम, ऐसा लग रहा था पॉर्न स्टूडियो ज्यादा है वहां पे, उनके पास ऑयल भी था, उनके पास प्रोटेक्शन भी थी, उनके पास सब कुछ था पूरे मदरसे में, यू नो, और वो यूं कुरान से छुपा रहे हैं, द गाय वाज लाइक डूइंग हिज थिंग, वो कुरान से छुपा रहे थे। ये 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 कोर्स का हिस्सा है बिटिया, मदरसे के कोर्स का हिस्सा है, ये सब सिलेबस है वहां, ये तो जो मदरसे के पहले लोग हैं देवबंद का मदरसा जिन्होंने चलाया है, उन उन्होंने ये सारे नेक काम उन्होंने किए हैं, जो एक किताब है अरब सलासा तीन प्यासी रूहें, उसमें इनकी तफसील है कि जो जिन्होंने मदरसा बनाया है रशीद अहमद गंगोही और उनके शागिर्द थे और माशूख थे, जिन्हें शोहर थे, जिन्हें माशूख शोहर दोनों थे, उनके वाकयात उनकी किताब में हैं। वो कहते हैं कि मैं वो हजरत रशीद अहमद गंगोही लेट गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बगल में आकर लेट जाओ, तो उन्होंने कहा लोग देख रहे हैं, बोले क्या फर्क पड़ता है, और रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है कि मुझे ख्वाब में ये जो उनके शागिर्द, मेरे जहन से इससे नाम स्लिप हो रहा है, वो दुल्हन का लबास पहन के आए और हमने
आपस में एक दूसरे से इस्तफादा किया, जिस तरह से एक मर्द अपनी औरत के साथ फायदा उठाता है, वो फायदे हमने उठाए, उन्होंने लिखा है कागज पे, वो ईमानदार लोग थे। और ईमान यही है मदरसे का, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस। गेज जो थे और या हम जिन्स लोग जो थे वो हमेशा से रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वो रहे नहीं है। मुगलों के भी बड़े थे, मुगलों की जमाने में भी होते थे। और अगर आप देखें तो पहले जो स्टेज वगैरह ड्रामा ये लोग जो करते थे तो मर्द औरत की तरह ड्रेस करके आते थे, औरतों को तो इजाजत ही नहीं थी ना करने की। सो ये तो है। एंड आई डोंट से कि भाई अगर कोई कंसेंट के साथ कर रहा है, कोई ग्रोन अप है तो ठीक है, मगर मान तो लो ना कि करते थे, और अभी हो रहा है, मानना ही नहीं। देखिए जब तक पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, या अफगानिस्तान, इन जगहों, अफगानिस्तान फिर भी बेहतर है, मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि उनको पता है कि उन्होंने क्या चाहिए। उन्होंने ये नहीं, हम डेमोक्रेसी चलाएंगे तो हम शरिया भी चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे, उन्होंने कहा नहीं हम शरिया चलाएंगे। पाकिस्तान कंफ्यूज है, वो डेमोक्रेसी भी चलाना चाह रहे हैं तो शरिया भी चलाना चाह रहे हैं, और सब कुछ चलाने के चक्कर में उनसे कुछ भी नहीं चल रहा है। एंड देखने कहां पर है वो, they're nowhere। वो एडमिट ही नहीं करते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमें बीमारी है। जब तक आप बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज कैसे करोगे उसका, हमको तो पता है ना पाकिस्तान के पत्ते बीमारी क्या है। बहुत नाटक की बात, बीमारी नहीं मानोगे तो इलाज कैसे करोगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। मैं एक उसमें अभी थोड़ी देर पहले उमर जो खलीफा थे, चार खलीफा हैं उनके बारे में महलीज ने कहा, मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूं और आपको डिटेल्स देता हूं। इब्ने साद, इनका पीरियड 784 से 845 ईस्वी है, इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन साद बिन मनी है, इन्होंने तबकात अल कबीर नाम से हदीसों का संकलन किया है, उसमें हदीस है। मुसैब बिन दारून ने कहा कि मैंने देखा है उमर एक छड़ी से पकड़ी गई गुलाम लड़की के सर से दुपट्टा निकालते हुए बोले, सिर्फ आजाद औरतें ऐसा कर सकती हैं। इमाम सुन्नी इमाम अल बहरकी अपनी किताब की किताब सुन्नत अल कुबरा में उमर के बारे में बताते हैं कि अनस बिन मलिक से रिवायत है, उसने बताया कि खलीफा उमर के यहाँ जो दासियां लौंडियां काम करती थी, उमर उनके कपड़े उतार कर बाल खोल देते थे, न्यूड कर देते थे, फिर अपने हाथों से उनकी ब्रश हिलाया करते थे। अब्दुल रज़ाक अंसनानी, जिनका पीरियड 126 से 211 हिजरी है, उनकी हदीस की किताब मसनफ है, उसमें भी खलीफा उमर के बाद बारे में हदीस है कि मुजाहिद ने कहा कि उमर गुलाम लड़कियां खरीदते वक्त अंदर हाथ घुसा के उस लड़की के ब्रेस्ट फील करता था। तो इन्होंने जो कहा महलीज ने वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मगर अब इस हालत में बदलाव आ रहा है। शायद इंटरनेशनल प्रेशर है, शायद उनकी तरबियत का मामला है, क्योंकि ये सारे लोग जो सऊदी अरब के रॉयल फैमिली है या वहां पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो सारे के सारे यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं, काफी सारे लोग कराची में भी पढ़े हैं, हिंदुस्तान में पढ़े हैं। जाहिर है उन्हें औरतों को उस तरह से रखने की न तो आदत है ना उन्होंने वो देखा माहौल। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुल्लाओं की क्यों मिर्चें लगी हैं? अरब जहां से इस्लाम आया है वो बोले सब बोले, छाज बोले सब बोले, छलनी का क्या मतलब, ये काय को टकरा रही है? ये तो सब कन्वर्टेड हैं, ओरिजिनल मुसलमान जो हैं, ओरिजिनल इस्लाम वाले, वो कह रहे हैं कि वो बदलाव कर रहे हैं, यहाँ वाले मिर्चे लग रही हैं उनके। आपको क्या लगता है इनको तकलीफ क्या है? जिनकी गिनती 3 ना 13 में होती है ना, तो वो कहते हैं ना एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस, तो देखें कुत्ते भौंकते रहेंगे, उन्होंने वही करना है जो करना है। वो तो आप अगर ज्यादा बकवास करेंगे तो पाकिस्तानी पे बैन भी लगा देंगे, फिर आप तो हज पे भी नहीं जा सकोगे। ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, वो कर देगा। और स्पेशली उसने तो ऑलरेडी ये बोल दिया ना, ये जो दावा करते हैं और ये जो प्रीच वगैरह कर रहे होते हैं इन पे तो ऑलरेडी पाबंदी लगा दी है ना वहां पर उसने। तो देखें दुकान बंद हो रही है लोगों की, ऐसा ऐसा करके लोगों की दुकान बंद हो रही है। इंटरनेट ने अभी जो धमाका किया हुआ है, स्पेशली जो एक्स मुस्लिम्स की जो ये वेव निकली है, क्योंकि 2019 तक तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे हारिस ने अप्रोच किया था 2019 में, तो मैंने पहली दफा किसी एक्स मुस्लिम से बात की थी, या एक्स मुस्लिम जो वर्ड है वही सुन के कानों में ना वो होता था कि हाय। अब आप देखो 2019 से अब 5 साल बाद हर कोई एक्स मुस्लिम, हर कोई बात कर रहा है। मुझे पता है कि यानी यहाँ पर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी होता था ना तो एवरीवन वुड बी लाइक
सिर्फ बहुत चंद लोग का बात करते थे. आयान हर्सी अली थी एक सोमालियन जो बंदी है, वो बात करती थी. बहुत सलूट. और बड़ी मूवी जो बनाई थी उसने, उसका जो बंदा था जिसने मूवी उसके साथ प्रोड्यूस की थी, उसका तो गला काट दिया था इंग्लैंड में सड़क पे. दिन दहाड़े उसका सड़क पे गला काट के वो खड़ा हुआ था उसका हाथ यूं लेकर हाथ पे. सलमान रश्दी ने कब बात करनी शुरू की थी? लोग तो डरते ही थे ना, डर बिठाया हुआ था कि भैया आप नहीं कर सकते हो. अब वो नेदरलैंड वाला बंदा है जिसने वो प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनवाने शुरू किए थे, राइट? उसने 2006 में अपनी पार्टी स्टार्ट की, अब जाके वो जीता है 2024 में या 23 में जाकर. तो वो नेदरलैंड्स में रहते हुए वो 20-25 साल से सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ रह रहे. आप खुद बताओ कि ये ऐसी कल्ट है कि मैं वही तो कह रही हूँ ना, हम तो, मैं जो छोटी थी मैं यहाँ आ गई तो मैंने कहा भाई अब तो खत्म सब कुछ, यू नो, हम उस जंगल से निकल आए हैं, अब ठीक है, अब हम सेफ हैं ना. वो कहते हैं ना आपकी प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते, वो पीछे पीछे आती हैं, वो पीछे पीछे यहाँ भी आ गए. तो यहाँ पे भी मुझे भी धमकियां आई हैं, ऐसी बात नहीं है मुझे धमकियां नहीं आती हैं. वो तो यहाँ पे लॉ है ऐसा कि भाई फौरन मैं करती हूँ तो उनको फौरन उनका स्क्रू टाइट किया जाता है फिर. मगर वाई कम टू दैट पॉइंट, यू नो, मैं सिंपल बात आपसे ये कहती हूँ, मैं कहीं जाके रेंट करती हूँ, मुझे वहां पर नहीं पसंद, मैं वो घर छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी. आप यहाँ आकर यहाँ की चीजें, मैं यहाँ आई थी कि मुझे यहाँ का लाइफस्टाइल पसंद है, यहाँ आजादी है, यहाँ अपनी आजादी राय आप रख सकते हैं. मगर नहीं, ये यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आके मुल्ला आके कहेंगे देखो ये औरतें खराब हैं, यहाँ का सिस्टम खराब है, देखो औरतें ये चीज खराब कर रही हैं, वो कर रही हैं. ये यहाँ के मुल्कों की गलती है, यू नो, कि इन लोगों ने ऐसा कचरा भर लिया है. और ऐसा कचरा नहीं भर लिया, ऐसा कचरा भर लिया कि इनके सीने पे चढ़ के कहते हैं हमें अब राइट्स दो, अगर नहीं दोगे तो तुम तो इस्लामोफोब हो रहे हो. सो इट्स क्या बोला जाए इस चीज पे. हमारा कनाडा का तो खैर आई डोंट नो, कनाडा का तो बहुत ही बुरा बात, बिल्कुल ठीक है. यूरोप में, अमेरिका में और कनाडा में इस्लाम के बारे में बोलने को पूरी तरह से कॉर्नर किया जाता है, हिट किया जाता है, और ये कहकर कि आप कम्युनल हैं और फलाने हैं और आपको मल्टी कल्टी में यकीन करना चाहिए. मगर एक बर्बर हिंसक, एक हमलावर शख्स से, एक जो भेड़िया दांत फाड़े काटने को आ रहा है, उससे आप गुलाब देके और जैतून की टहनियां हिला के और सफेद झंडे हिला के कैसे निपट सकते हैं? आपको सख्त पड़ना पड़ता है. तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए, गोरों को इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए और इसकी स्टडी करनी चाहिए. अच्छे लोग हैं बताने वाले, एक बार स्टडी कर लेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे क्या है. आखिरी सवाल और उसके बाद क्वेश्चंस लूंगा कि एमबीएस के कारण जो तब्दीली आ रही है उससे क्या इंडो पाक के मुसलमानों पे असर पड़ेगा? वो इस दीन के जिहालत से, इस घुटन से, इस हब से बाहर निकलेंगे? देखिए चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ना, जैसे आपने सऊदी अरब में भी देखा चेंज आ रहा है. इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जितना ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको दबा दिया जाए. पाकिस्तान में आए दिन लोगों के यूट्यूब चैनल जो है ब्लॉक किए जा रहे हैं, मेरा भी ब्लॉक नहीं हुआ है, मगर मैं बहुत सख्त उस पर नहीं बात करती हूँ. मैं बिटवीन द लाइन जो है ना मैसेज, हमारा काम ये है कि हमें लोगों के दिमाग में एक बीज बोना है सवालों का. वो जब सवालात करेंगे ना, और अभी ये मौलाना हजरात जो है ना ये भाग रहे हैं एक्चुअली, इनके पास जवाब है नहीं, तो वो गोल घुमाते हैं. आप देखो मैं कितनी सारे लोगों के साथ डिबेट करती हूँ, वो गोल घुमाते रहते हैं. मगर इज इट बेटर? यस, मैं कहूंगी कि बेहतर हो रहा है. आई सी इट एज बीइंग बेटर, लोग सीख रहे हैं. आपने उस वक्त बात की थी ना मेरी भी फैमिली की, जब आप बात कर रहे थे तो उनमें उन लोगों में से कुरान नहीं पढ़ा हुआ था किसी ने. ज्यादातर लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता था, गांव के लोग थे. पढ़ना, जिनको पढ़ना नहीं आता तो कुरान कैसे पढ़ेंगे आप? अलिफ बे ते आपको सीखनी पड़ती है ना, आप लिख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते. तो क्या होता है, वो जाते हैं मौलवी के पास जाते हैं, वो उनके दिमाग में जो भी डाल देता है. मगर अब हर किसी, चाहे वो गटर साफ करने वाला बंदा हो, चाहे वो रोड साफ करने वाला बंदा हो, चाहे वो बस चलाता हो, उसके पास फोन आ गया है और वो फोन पे सुनता है. और चंद लोग इस वजह से लोग बताते हैं, हाय देखो इस्लाम के बारे में ऐसी तोहीन हो गई, कितने अच्छा कहाँ हुई, जाके सुनते हैं जाकर, और सवाल उनके भी दिमाग में आता है फिर. तो आई हैव सीन हमारे ही सामने कितने सारे, काफी मुसलमान मेरे पास भी आते थे जो अब मुसलमान नहीं रहे, आते रहे, लड़ते रहे, मगर वो आखिर इस्लाम को बचा रहे होते थे और उन्हीं के मुसलमान उनके पीछे पड़ गए कि तुम आज जाते ही क्यों हो,
तुम वहां जा रहे हो इसी वजह से तुम वाजिबुल कतल हो। तो मैंने खुद ही देख लो आप कि किस तरह के किस जगह पे आप घुस गए हो। तो मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को देखा है ये रिलीजन छोड़ते हुए। तो विद द एजुकेशन एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ चेंज। वो बस जबरदस्ती का कंट्रोल रखा हुआ है पाकिस्तान में। आपको पता है पाकिस्तान में तो दे नीड दीज जिहादीज ना, उसका तो आपको पता है कि पीछे कौन बैठा है, कौन इन लोगों को हवा देता है। मगर मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पाकिस्तान होकर आई हूँ और पाकिस्तान में बैठे लोग मुझको, मैं चाहे गरीब हूँ या चाहे अमीर हूँ, वहां एक तबका है जो जिहादी है, मगर वो ज्यादा मुझको टॉलरेंट और प्रोग्रेसिव दिखे, चाहे वो गरीब ही जाहिल क्यों ना हो। बनिस्बत उनके जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं पाकिस्तानी, इनके अंदर की मुसलमानियत नहीं भाई, ये पक्के कट्टर मुसलमान, पक्के पाकिस्तानी, हर जगह जाके हम पाकिस्तान है, प्राउड 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 पाकिस्तान। मैं किस चीज का प्राउड हूँ? व्हाट आर यू प्राउड ऑफ? तो इनसे ज्यादा हमको खतरा है, यू नो। और आपके जो इंडिया में बैठे हैं, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ ना, मैं तो कहती हूँ भाई आपको नहीं पसंद, आपने मांगा था ना एक मुस्लिम कंट्री, मांग ली थी ना, तो गए क्यों नहीं, बैठे क्यों यहाँ पर, चले जाओ ना, इतना ही बुरा है मुल्क तो चले जाओ वहां पर। मैं यहाँ भी कहती हूँ भाई इतना ही बुरा मुल्क है, शरिया चाहिए है, यहाँ क्यों लाना है शरिया? अब वो तो यहाँ लाना चाह रहे हैं ना शरिया, भाई शरिया वाली कंट्री है वहां चले जाओ तुम, हमारा हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कहती हूँ हम कहाँ जाएंगे, मुझे फिर इंडिया भागना पड़ेगा सीरियसली। आपका घर है बिटिया, आपके मैं चचा मामू जो भी नाम देना चाहे मैं हूँ हाजिर, कभी भी आइए, आपका घर है। अच्छा मैं एक कुछ कमेंट है लेना चाहूंगा जी। आपको ये सख्त जुमला हो सकता है, जीतेन साहब ने पूछा है महलीज यदि आपके माँ बाप हिंदू होते तब क्या आपकी फैमिली ज्यादा सुखी नहीं होती? आप इग्नोर कर सकती हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं जवाब देना है तो यू कैन। मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो मेरे बाप के साथ मेरा जो टाइम गुजरा, मैं बाप की फैमिली में मेरे कजिन्स वगैरह थे उनके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरा बचपन का, यू नो लड़कियों के साथ व्हाटएवर, मगर मैंने फिर वो प्यार भी देखा है और वो मुझे बाद में जाके समझ में आई ना, वो तो उस वक्त तो नहीं पता था कि भाई ये फैमिली ऐसी है, उधर जाती हूँ ननियाल ऐसा है, ददियाल ऐसा है, व्हाई इज दैट। तो मैंने खुद देखा क्योंकि वी वर्ल्ड, मेरे नाना पारसी थे वहां पर, वहां पे हिंदूज भी आते थे, क्रिश्चियंस भी आते थे, हमारे हमारी नानी का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, कभी वहां पे कोई डिफरेंस नहीं था। तो मैंने वो चीजें देखी तो मेरे अंदर इसी वजह से ना वो हिंदू नफरत जिसे कहते हैं ना आप, ये क्रिश्चियंस के लिए नफरत, क्रिश्चियंस तो हमारी फैमिली में भी थे मगर हिंदुओं के लिए जो नफरत आपको नहीं दिखेगी, बिकॉज वो कभी डाली नहीं हमारे अंदर ना। मैंने वो मुताले पाकिस्तान पढ़ा क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, तो वो हेटरेड नहीं डाली। और हमारे स्कूल में हिंदू टीचर होती थी तो वी एक ही उस प्लेट में से खाया सब कुछ करा, तो मुझे वो मौका मिला। और अगर होते तो हाँ ऑब्वियसली ये, अगर हमारे पेरेंट्स हिंदू होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तान में नहीं होते, यू नो हम इंडिया में ही रहते, विच वाज द वन बिगेस्ट मिस्टेक जो मेरे नाना ने करी कि वो उठ के पाकिस्तान चले गए। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली यू नो वो जो चीजें ग्लास सीलिंग जो मुसलमानों के ऊपर लग जाती है ना, वो आप लोगों के उसमें नहीं, आप लोगों के धर्म में वो सीलिंग नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आप मीडिया की बात कर लो, राइट, वो बंदा क्लाइम करेगा यहाँ जाके वो रुक जाएगा क्योंकि यहाँ इस्लाम खड़ा है, वो उससे ऊपर जाने नहीं देगा आपको, राइट। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है, इस्लाम आ जाता है वहां रुक जाते हैं आप। पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास करवा रहे थे, मौलाना खड़े हो गए, कहने लगे तो शरीयत के खिलाफ है, इसमें से आप मारना धाड़ना निकाल दो, बाकी रख लो, यानी मारने धाड़ने की इजाजत रखो क्योंकि शरीयत के उसमें। तो यू सी कि हर चीज जाकर एक ग्लास सीलिंग पे अटक जाती है और उससे ऊपर नहीं जा सकती, वेयर एज इंडिया में हिंदुइज्म में यू डोंट हैव दैट ग्लास सीलिंग, तो दैट्स व्हाई यू गाइस आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है ना। इन यहाँ पर भी थी, अब्राहमिक रिलीजन में एक ग्लास सीलिंग होती है मगर दे रिफॉर्म देमसेल्व्स, राइट, जब ही तो आगे बढ़े वो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एमबीएस इज डूइंग, उसने वो जो ग्लास सीलिंग थी ना उसको हटाना शुरू किया है। एंड आप देख लीजिएगा सऊदी अरब के पास पैसा है, वो अपना रोबोटिक्स उनकी जो चीजें हैं एंड द टेक्नोलॉजी दैट ही इज यूजिंग, वो वाकई में उस जगह को 2030 का जो उसका प्लान है वो वाकई में उसको पैराडाइज बना के रख देगा। दुबई में तो उन लोगों ने कर ही दिया, दुबई को देखो कितना खूबसूरत एंड कितना आलीशान, जिसे कहते हैं ना लग्जरी, कि यहाँ के बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, पैसा जब वहां पर क्या कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में कौन जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने? पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है, उसकी तो हालत बुरी है, उसके पास कुछ नहीं है ना। काग भुशुंडी, मैं इसका तर्जुमा किए देता हूँ, बराए करम बहादुर
और जिंदा दिल छोटी बहन महलीज को मेरा मेरी दुआएं पहुंचाएं। ये भी नाजिया इलाही की तरह खरी खरी बातें करती है बिना लगे लपेट के। आपको दुआ कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। बलजीत राय, जिसमें थोड़ी ही भी अक्ल हो वो इस्लाम में कैसे रह सकता? लोग अपने आप को तसल्ली देने के लिए बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई कर लेते हैं, राइट? अब इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, राइट? ऐसी बहुत सारी आइडियोलॉजीज आजकल चल रही हैं जहां आप कहते हैं यार ये क्या है, कॉमन सेंस ही नहीं है इसमें, राइट? अब जैसे कि मुसलमान औरतें मुझसे खड़े होकर कहती हैं कि भाई हमें तो सारे राइट्स मिले हुए, राइट? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो माँ की साइड है वहां पे जो औरतें आई उस फैमिली में, वो कहेंगी उन्हें सारी चीजें मिल रही हैं इस्लाम में, क्योंकि उनके मर्द जालिम नहीं है, उनके मर्दों की परवरिश ऐसी की है कि उनको राइट्स देते हैं वो। उनको ये नहीं कहा जाता कि आप घर में बैठे हैं, उनको ये नहीं कहा जाता कि आप बाहर महरम के साथ ना निकलें, या आप जो है आपने नकाब करने, उन पे ये पाबंदी नहीं है। तो वो औरतों को लगता ही नहीं है कि भाई इस्लाम में कुछ है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि किसने पढ़ा हुआ है कुरान, किसने पढ़ा है और तर्जुमे के साथ किसने पढ़ा है? इनको तो मुझे खुद नहीं पता था, अरे मुझे खुद नहीं पता था ये जो आयतें वगैरह। और जितना मैं पढ़ती गई ना, वाज़ लाइक ओह माय गॉड, ये लॉन्ड्रियों का सिस्टम, ये हाफ नेकेड रखने का सिस्टम, यू नो। वो एक और जो उसमें आयत होती है कि भाई मर्द को कभी आपने, अगर मर्द आपको बिस्तर पे बुलाए तो उसको रिफ्यूज नहीं करना है आपने। और एक मिसाल दी गई है कि अगर आप ऊंट के ऊपर बच्चा भी पैदा कर रही हो और मर्द कहता है कि मुझे अभी चाहिए, तो बच्चा वापस अंदर घुसेड़ो, पहले मर्द के पास जाओ, वरना आगे नहीं जाओगी। तो बाप के साथ हो, बाप के साथ हो, चचा के साथ हो, मामू के साथ हो, ये जो भी आपने भेजेंगे, लाइक आप दुख सुनाओ ना इसमें। अब वो फिर वही हो जाता है कि आपने जस्टिफाई करना है तो आप उसको यूं तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, वहां से पकड़ेंगे, ओ ये ऐसे नहीं था। एक तो 10 मौलाना को पकड़ लो, एक हदीस दे दो, 10 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आएंगी वहां से, यू नो। तो एक तो इनका एक इस्लाम भी नहीं है, कितने तो फिरके बने हुए हैं इस्लाम में, फर्स्ट टर्म विच वन इज राइट। तो ये यही आपको जब लोग मिलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आजकल ये जो ट्रांस का इशू बना हुआ है, जेंडर का इशू बना हुआ है, उस पर बंदा ये कहता है यार कॉमन सेंस की बात करो, तीसरा जेंडर कहाँ से आ गया, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये हदीस है कि मोहम्मद गए थे और अपने साथी को उन्होंने एक दायरा बनाकर कहा इससे बाहर मत निकलना, और उनको 3 लोगों ने घेर लिया, और वो जाट थे और वो मोहम्मद पे सवारी कर रहे थे, और सुबह जब मोहम्मद आए तो बड़े पस्ताल थे और उन्होंने कहा कि ये ऐसा ऐसा। तो जाटों ने तो बड़ा फख्र से बताया कि साहब हम बोलो हैं, उनकी औलादे हैं जिन्होंने मोहम्मद के साथ इन्हें काम किया है। तो ये तो मामला। अच्छा, एक जुमला, तो फैल दादा इस्लाम या मोहम्मदवाद में बदलाव की कोई गुंजाइश है क्या? फिर MBBS क्या मोहम्मदवाद के विपरीत चल पड़ा है क्या? बिल्कुल ठीक बात है रंजन साहब, मोहम्मदवाद अक्ल के खिलाफ है। ये सवाल मुझसे, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं, अक्ल के खिलाफ है। ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट केवल इस बुनियाद पर हुआ है कि हम सब बराबर हैं। आप बादशाह में गुलाम हूं तो मेरे राइट्स आपसे कम नहीं हो सकते। औरत के राइट्स और मर्द के राइट्स बिल्कुल बराबर हैं, इसी बुनियाद पर हुआ है। और इस्लाम बेसिकली इसके खिलाफ है। वो काफिरों को तहतेख करना चाहता है, गुलाम मानता है, मोमिनों के अलग है, और उसमें भी अंसार के अलग और सादात के अलग और मोहम्मद के अपने खानदान के लोगों के अलग, ये सारी भाई आती है। तो इसके खिलाफ बात कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि इंटरनेशनल प्रेशर नहीं जीने देगा। आप किसी कोने में, किसी खित्ते में, किसी जजीरे में, एक आइलैंड पे बैठ के, टापू में बैठ के ऐसी बेवकूफी की बातें कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल बेचना है तो किसको? कोई खरीदार चाहिए ना। डीजल बेचना है तो किसको? कोई खरीदार चाहिए ना। जो समाज नमाज में बिछाने वाली चटाइयां नहीं बना सकता, जो साउंड सिस्टम घुमा के इजराइल से लेता है, जो बिल्डिंग नहीं बना सकता, जो होटल्स नहीं बना सकता, सब कुछ तो गोरों का किया हुआ है, वो काम कैसे करेगा? तो आपको इसके खिलाफ तो बात करनी पड़ेगी, और ये बेवकूफियां बहुत दिन नहीं चल सकती। वैसे बड़ी मजे की बात है, यहूदियों की सारी चीज यूज करनी, वही माइक जो यहूदी ने इजाद किया उसी पे खड़े होकर अजान देनी है, और गालियां भी यहूदी को ही देनी है।
मेरे तो यानी मगर मैं एक बात बताऊं ना, देखिए मुसलमान आप पाकिस्तान और इंडिया के उठाए ना, तो देर आर डिफरेंट ब्रीड देन ईरानी हो जाए, अफगानिस्तानी हो जाए। मेरे यहाँ ईरानी फ्रेंड है यार, ईरानी आप देखें यहाँ पर, मैं लोगों की फैमिलीज में जाती हूँ। मैं एक फैमिली के पास गई, भाई एक जो थी बेटी ड्रेस में थी, माँ ने हिजाब पहना हुआ था, और उसके बेटी का जो हस्बैंड है उसकी फैमिली जो थी उसमें, उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो छोटे से स्कर्ट में आई है ना, वो जस्ट लाइक, और सब वहां डांस कर रहे हैं बड़ो। क्योंकि आप सोचे ना, देखें यूरोप में अगर आप देखें ना, टर्की के मुसलमान आपको डिफरेंट दिखेंगे, लेबनान के आपको डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि उनका ऊपर यूरोपियन इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उनकी रूट्स वहां से आ रही हैं, राइट? तो वो उसी तरीके से चल रहे हैं। सेम थिंग ईरानीज के साथ, ईरानीज जो थे वो पर्शियंस सॉरी ज़ोरास्ट्रियंस से, तो अभी भी जो है नौरोज वगैरह मनाते हैं, तो उनकी रूट्स वहां से आ रही है। अब पता नहीं है हिंदुस्तान इन लोगों की मुगलों से आ रहे हैं ना ये शायद, तो ये वो बारबेरिक वही चीजें सिस्टम इनके अंदर घुसी हुई है, राइट? दूसरी बात, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं जो है क्या, आपको जब यही नहीं पता ना कि आपकी रूट्स कहाँ से आती हैं। मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि भाई मेरे नाना की रूट्स मुझे पता है, वो पारसी थे, तो ईरान से आई होंगी, एंड ईरान में वो मुसलमान तो नहीं थे ना, और नानी मुझे पता है कि उनकी फैमिली जो थी किसी जमाने में वो हिंदू थे, मैं मान लेती हूँ, मुझे उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। बाप की फैमिली आई होगी अफगानिस्तान से, वो आई डोंट नो कि शायद बुद्धिस्ट हूँ बैक इन द डेज, हु नोस, राइट? मगर मुझे उसमें शर्म नहीं है। अगर अब मैं जाके कहूँ नहीं मैं तो टर्की की हूँ, नहीं मैं तो अरब की हूँ, नहीं मैं तो यू हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम। आपको आइडेंटिटी आपको करना, क्या शर्म आती है आपको कि अगर आप बोल देंगे कि आप इंडियन थे, एक जमाने में हिंदू थे आपके माँ बाप या जो आपके एंसेस्टर से, तो उसमें छुपाने की क्या बात है? बट दैट्स द थिंग ना, उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि हिंदू ऐसा, इंडिया ऐसा, इंडिया सारा दिन तो मीडिया यही बोलता रहता है ना, पाकिस्तान ये मीडिया चलता ही कैसे, इंडिया नहीं होता तो पाकिस्तान का मीडिया नहीं चलना था। ठीक बात है, जीतेन साहब ने हिंदी में डाला ये, सूरा रेजाब चादर ऐसे डालो कि सिर्फ बाई आंख दिखे। अब ये इतनी बेहूदगियां कैसे सही जा सकती है? मैं जल्दी जल्दी इन कमेंट्स को खत्म करता हूँ। श्रीधन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप लेने के लिए, ये बहुत उमदा जुमला है पराग गोविल साहब का, सऊदी अरब के सुल्तान से इंडियन बिरादरी को साथ बाहर कराने की कोशिश करनी चाहिए मोदी साहब को। ये होगा, मैं जवाब दे देता हूं, ये होगा। अगर इसी किस्म की बेहुदा बातें की तो वो, मैं जानता हूं सऊदी अरब के लोगों को, दोस्त हैं मेरे, अरबों के घर में आप बाकायदा एक बड़ा बार पाएंगे, विस्की की दुकानें तो अब खुली हैं मगर विस्की उनके मिलती है। वो कहते हैं और ये बात मेरी पूरी संजीदगी से लीजिएगा कि जहां हम बैठे हैं पैरों के करीब वहां कहीं कुरान पड़ी होगी, वो परवाह नहीं करते। गटर चोक हो गए, उन्हें खोला गया तो पता लगा सैकड़ों कुरान उसमें पड़ी हुई है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमानों का दिमाग खराब है, वो इससे कहते हैं कि हम इससे बाहर आ चुके और हमने जो अरब से बाहर के मुसलमान हैं उन पर लानत भेजी। ये जबरदस्ती अपने आप को अरबी मुसलमानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो भी चक्कर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये किसी ने यहाँ लिखा है कि ईरानी जो है ईरान में बहुत कट्टर है, एक्चुअली दैट्स नॉट राइट। ईरान में जितने लोग आप अगर देखें इस वक्त 50% तो रिजेक्ट कर रहे हैं रिलीजन को, वो ईरान में तो पूरा वो चल रहा है यार, वो हिजाब उतार उतार के जला रहे हैं औरतें, उनको उठा उठा के फेंक रहे हैं, दे आर ऑल रिजेक्टिंग इस्लाम। यहाँ पर मैं गई थी, यहाँ पर मैं जब ईरान का वो चल रहा था, यहाँ पर प्रोटेस्ट पे मैं लास्ट ईयर गई, वहाँ तारिक फतेह भी आए हुए थे, तो वहां पे मैंने जो बंदे थे एजड थे यानी इन देयर 60s एंड स्टफ दैट लिव्ड इन ईरान, उनसे मैंने बात की, तो मैंने उनसे ही पूछा था कि आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ इस्लाम, उन्होंने गालियां दी हैं कि गार्बेज है, वी डोंट वांट शरिया, वी वांट आवर ईरान बैक जैसे पहले होता था। तो ये वो नहीं कर रहे, नहीं वहां तो बहुत जंग चल रही है, वो तो चाहते हैं कि इनसे जान छुड़ाए अपनी, सीरियसली। ये सवाल पूछे तो फल दादा, इस्लाम में या मोहम्मदवाद में बदलाव की कोई गुंजाइश है क्या? फिर MBBS क्या मोहम्मदवाद के विपरीत चल रहे? बिल्कुल गुंजाइश है साहब, बदलाव आके रहेगा, कोई तरीका नहीं है इसको रोकने का, इसलिए कि ये अकील के खिलाफ है और दुनिया अकील पे चलती है। जिहालत को लट के जरिए से, तलवार के जरिए से कब तक चला लेंगे? क्योंकि अब तलवार का जमाना नहीं है, आप तलवारबाज हैं 5,000 50,000, एक बम पड़ेगा सब घुस हो जाएंगे, सब राख हो जाएंगे, तो अब वो जमाना नहीं रहा। ईरान को वापस आना चाहिए,
फैल दादा, क्या लिबरल इस्लाम एमबीएस की कोई चाल है या मजबूरी है? यहाँ आप कहना चाहेंगे या इजाजत दें मैं बोलूं? I think मजबूरी हो सकती है उनकी, क्योंकि देखिए आपने खुद ही बोला था ना कब तक आप पेट्रोल बेचेंगे, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। द थिंग इज कि आपने अपना चलाना है ना, उनके पास उठाई वो ये एक चीज, जैसे जबी तो वो रिच हुए, अब उनके पास वो पैसा है, वो लगा रहे हैं रोबोटिक्स में, वो लगा रहे हैं अपने लोगों पे। सऊदी अरब अपने लोगों को भेजता है बाहर, यहाँ पर सऊदी अरब ने भेजे हुए थे अपने स्टूडेंट्स डॉक्टर्स यहाँ भेजे हुए थे बनने के लिए, सऊदी अरब उनकी कवर कर रहा था फीस। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी कनाडा और सऊदी अरब के बीच में, इन लोगों ने अपने डॉक्टर्स वापस बुला लिए, यहाँ शॉर्टेज हो गई थी डॉक्टर्स की। डू यू अंडरस्टैंड? वो अपने लोगों पे पैसा लगाकर उनको एजुकेट करते हैं, चाहे वो कितने ही मुसलमान कट्टर क्यों नहीं थे। मैंने ये देखा है एमबीए से ही पहले जो लोग थे उन्होंने पैसा एजुकेशन पे लगाया है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से औरतें उठाएं और अगर कंपेरिजन करें ना, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि सऊदी की जो औरतें हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी निकलेंगी बनिस्बत पाकिस्तान से। इवन दो वो जो है सॉरी हिजाब में हो या जो भी हो, उनके पास एक तो पैसा है एंड देर ट्राइंग एटलीस्ट। सो आई थिंक उसने देख लिया कि फ्यूचर में क्या करना है, हाउ डू यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर। पाकिस्तान सामने एग्जाम्पल है ना उनकी, ईरान सामने एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान एग्जाम्पल है। ठीक बात, दो जुमले हैं ये, इनको लेकर मैं बात खत्म करता हूँ। लोहित साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लोहित, डाउट एमबीएस विल बी सक्सेसफुल, ही इज वन पर्सन, ही डाइज देन व्हाट? अतातुर्क ट्राइड इवन बैन पब्लिक नमाज बट डिड इट वर्क? सॉल्यूशन एक्सपोजिंग मोहम्मद इन एन इस्लाम। आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप नमाज बैन करके काम नहीं कर सकते, आप कुरान को तुर्की जबान में ट्रांसलेट करके काम नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि अजान अरबी की जगह तुर्की में दे, काम नहीं कर सकते। अजान क्या है इस पर बात करनी पड़ेगी, कुरान क्या है, कुफ्र और ईमान क्या है, कताल फी सबीलिल्लाह क्या है, जहाद फी सबीलिल्लाह क्या है, जहाद किसे कहते हैं। जब तक आप इस सब्जेक्ट में बात नहीं करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप तुर्की में बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं, फारसी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। आप जहर तो पिला ही रहे हैं, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। तो लोहित साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है और बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। तो फैल जी देखिए, लोग ये समझते हैं कि इस्लाम जो है ना एक दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए आइडियोलॉजीज रिलीजन ऐसी नहीं मरती है, आहिस्ता आहिस्ता करके टाइम होता है। मगर आपने देखा है बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारी रिलीजन आई चली गई, खत्म हो गई। इवन पारसियों की रिलीजन आप देखो खत्म हो गए वो लोग, ऑलमोस्ट यू नो वो पूरी चीज वो खत्म हो गई है। व्हाट वी वांट टू डू, और वो हो भी रहा है, आप देखेंगे कि वो जो औरत पे हाथ उठानी 434 जो आपकी वो आयत है फ्रॉम द कुरान, पहले उसका ट्रांसलेशन आप निकालते थे ना गूगल पे तो उस पर लिखा हुआ होता था स्ट्राइक स्ट्राइक में, अब जाकर उन्होंने उसका वर्ड चेंज कर दिया है, उसको सॉफ्टवेयर कर दिया है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आज बच्चा पैदा हुआ है, वो जब कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो वो जब वो पढ़ेगा आयत को तो उसमें ये नहीं लिखा दिखेगा उसको कि स्ट्राइक, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं उसको मारूं। तो अगर ये रिफॉर्म भी कर लेते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी ने रिफॉर्म किया, यू नो जूडाइज्म ने रिफॉर्म किया, अगर ये रिफॉर्म भी कर लेते हैं ना, दैट्स इवन बेटर। अगर सॉफ्टर साइड पे आप आ जाओ थोड़ा सा, दैट्स इवन बेटर। इस्लाम को खत्म होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, लाइक आइडियोलॉजीज डोंट डाई दिस फास्ट। मैं मेलीज आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मुझे लगता है 10 साल के अंदर इस्लाम बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा, लाइब्रेरीज में इसे पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। तो फिर दादा, क्या इन मुल्लों और मदरसों का कोई परमानेंट इलाज संभव है? लठ है इसका इलाज, सीधी सीधी बात, पिछवाड़ा तोड़िए लाल कर दीजिए और कोई इलाज नहीं है। अगर आप सोचें डंडे के बिना होगा, नहीं होने वाला। गवर्नमेंट मैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करती हूँ इस चीज की। ठीक बात, ठीक बात। आपका जो सिस्टम है, आप जिस लॉ को मानते हैं, जिसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, ये सब क्या है? वेस्ट सोसाइटी फैमिली डिस्ट्रॉयड बाय फेमिनिज्म लिबरल्स, मेनी यंग जनरेशन कन्वर्टिंग इन वेस्ट बिकॉज ओनली इस्लाम कैन प्रोवाइड फैमिली सिस्टम इन सेंटर। आपकी बात ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं और इसका विकल्प ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये एक बहुत उम्दा चीज पूछी है पेकू रसूल मोहम्मद। तुफैल दादा,
कृपया बराए करम आप मोहम्मद की जाटों वाली सवारी वाली हदीस पर जरा गौर कीजिएगा। आप मुझे जाट मुझसे जाट वाला काम कराना चाहते हैं क्या चाहते हैं? मैं शौक का नहीं हूं। बहरहाल जिन साहब को ये हदीस की जरूरत है मेरी वॉल पे ही ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ढूंढना नहीं आता। एडम सीकर के साथ एक पूरी डिटेल गुफ्तगू है एक घंटे सवा घंटे की, उसमें ये सारी बातें हमने ली हैं। आप वहां ढूंढ सकते हैं, तलाश आप कर ले, मुझे खुद ढूंढना नहीं आता, मैं इंटरनेट की विद्या का बहुत पढ़ाने का नहीं हूं। अच्छा एक घंटा हो गया, मैं 30 मिनट के चक्कर में था। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको मुझे डिनर के लिए जाना है, तो इसलिए मैलीज बहुत बहुत मेहरबानी धन्यवाद आपका कि आपने इतने संजीदा टॉपिक पर इतने कम टाइम में वक्त दिया। बनी रहिए, सजी रहिए, परमात्मा आप पे कृपा करे। मेरे योग्य अभी भारत आना हो तो ध्यान रखिएगा आपका चाचा माऊ मामू ताऊ जो भी आप कहना चाहें। मुझे एक दफा आ गई थी मैं इंडिया, मगर मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो आई डू वांट टू गो बैक। मेरी मेमोरीज हैं वहां की तब की, बट आई एम डेफिनेटली मेरी विश लिस्ट पे है कि आई एम गोइंग टू गो। आइए आइए आइए, अभी 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 आए थे हमारे क्या नाम उनका कनाडा से ही टैग टीम का, क्या नाम उनका है, ताहिर गोरा। हाँ, आप भी आइए, जो हमारे बस का होगा आपको हिंदुस्तान घुमाना हमारी जिम्मेदारी बिटिया। जिंदाबाद, प्रणाम प्रणाम, जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तो भाई चतुर्थ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा लगा। विल बी इन टच, कोई चीज यहां से चाहिए, मैं जूलर हूं बेसिकली, और बनाता हूं, कहीं कुछ मेरे लायक हो तो बताइएगा मुझे। शायद इस बार गर्मियों में कनाडा आना होगा, तो आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।